हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूनिक चैनल। नाम तो पता ही है ना, कंसेप्चुअल स्टडी प्लेटफॉर्म। देखो सड़क के लिखा है आपका सर का नंबर 7980389095। ओके, बार बार बता रहा है, थक चुका, पूरा एकदम थक गया। क्या टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, पीडीएफ आने वाला है, आज ही आएगा, शायद आज ही आने वाला है। उसके बाद क्या, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर में, कंसेप्चुअल स्टडी ग्रुप सर्च कर लो और उसके बाद ज्वाइन कर लो। और एक बात, डू सब्सक्राइब योर चैनल, डू सब्सक्राइब योर यूनिक चैनल, दैट इज कंसेप्चुअल स्टडी प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब भी करो और जरूरी क्या है, लाइक शेयर, एंड ऑल्सो इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस ड्यूरिंग क्लास देन। देखो फ्रेंड्स, चलो ये सब पता करो, आप तो शायद नर्सरी का नहीं है ना, एक बात में समझना चाहिए, इतना दिन से बोल रहे हैं और आपको भी मिल रहा है, रिसोर्स मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो करो ना सब्सक्राइब, फायदा क्या, नहीं तो इसमें तो कोई लॉस नहीं है ना। चलो स्टैटिक जीएस आज वेरी वेरी टॉप, अच्छा यहाँ पर टॉप 5 लिखा है, टॉप 4 होने वाला है, ठीक है, टॉप 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 4 लाइन यहाँ पर लिखा है, बार बार आ चुका सवाल एग्जाम में, ठीक है, एसएससी, पीएससी, रेल, बैंकिंग में भी अभी स्टैटिक आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम में, आईडीबीआई वगैरह, आरबीआई, ग्रेड बी वगैरह, उसमें से। चलो एक नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक से देखो, हम जो जो बात बोल रहे हैं वो बात ठीक से सुनो। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, जो जो पॉइंट में अंडरलाइन किया है ना वो बात आपको समझनी पड़ेगी। हाई टेम्परेचर मतलब ज्यादा, मतलब अनेकटा बेसी उष्णता मापार জন্য আমরা কোন জিনিসটাকে ব্যবহার করি। That is your option, these are your option, 4 options, pyrometer, thermograph, thermometer, pedometer, जैसा करके एग्जाम में आया ना वैसे ही पूरा लिखा है, और ये एग्जाम में 10 से 12 बार हर एग्जाम में दिया था, उसी के लिए ये सिलेक्टिव कुछ लेके आया है, ठीक है आपके लिए। चलो उसके बाद तो डिटेलिंग होने वाला है, जस्ट जो जो चीज डिस्कस हो रहा है ना, सामने देखो लिखा है एनटीपीसी सीजीएल स्पेशल पीएससी। एनटीपीसी भी मार्च में होने वाला है, सीजीएल तो आ ही गया मार्च अप्रैल मई में अंदर सब मिट जाएगा, और पीएससी तो लगे ही पड़ता है ना, सारा साल चलता है पीएससी, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, सबका फेमस टॉपिक है। चलो इसका आंसर क्या होगा सर, पायरोमीटर, पायरो मतलब पायरो, जब तम आएगा ना तब आपको क्या पता होना चाहिए, हाई, हाई के साथ रिलेटेड टर्म है पायरोमीटर। मीटर होता है डिग्री, एक डिग्री फॉर्मेशन, उसको टेम्परेचर के और बढ़ा देता है, ठीक है, तो मतलब पायरो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक इंजन का नाम सुना है ना, CRCRYO, क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब भी सेम, मतलब पायरोमीटर जैसा, ओके, टेम्परेचर को मतलब इंजिन को सॉलिड कर देता है और टेम्परेचर को हाई कर देता है, उसके बाद पायरोमीटर होगा। और उसके बाद देखो और भी ऑप्शन में जानना पड़ेगा, थर्मोग्राफ, थर्मोग्राफ क्या करता है, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना हुआ ये मापता है, गिनता है। और उसके बाद थर्मोमीटर, ये तो सबको पता है, ये एक क्या है, मतलब शरीर जो उष्णता सेटा मापार জন্য কি দিয়ে মাপি আমরা, थर्मोमीटर मतलब शरीर जो उष्णता सेटा मापार কাজে লাগে, তার ইউনিটটা কি কেলভিন, কেলভিন দিয়ে আমরা टेम्परेचर निर्णय करी। और कि पेडोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एगुलो देखो वन वर्ड में भी आ सकता है, इंग्लिश का वन वर्ड, रीजनिंग में भी आ सकता है, सब में काम में आने वाला है, ओके, पेडोमीटर मतलब स्टेप काउंटर, आप जितना जितना स्टेप जा रहे हो ना वे ऑन द फुट, तब क्या उसका काउंटिंग होने वाला है, 1 2 3 4 ऐसे करके, गॉट इट फ्रेंड्स। चलो एक नंबर सवाल का आंसर क्या है, पायरोमीटर, दैट इज योर आंसर। जब भी पायरो आएगा यही आपका मेन पॉइंट है, यही आपका की पॉइंट है, पायरो जब आएगा हाई टेम्परेचर, ये बार बार आया चुका सवाल, प्लीज बी अटेंटिव इन क्लास, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, चलो एक नंबर सवाल हम अभी के लिए डिलीट कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके। चलो दो नंबर सवाल देख लो, पहले आपने ट्राई करो वीडियो पॉज करके, आंसर देने का कोशिश करो, उसके बाद हम कुछ चीज बताने वाला है, ठीक है। What is the deepest freshwater lake? जितना हो सके स्टार मार्क कर लो, जितना हो सके। आने वाला जो सवाल, आने वाला जो एग्जाम है ना, एनटीपीसी आई तो गया, दर्जा में ठक ठका कर रहा है, ठीक है, घट घट कर रहा है, उसमें आएगा ही आएगा, डीपेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, सबसे गहरा, प्रशांत महासागर का पता है ना, जो डीपेस्ट मतलब डीपेस्ट है पॉइंट, उसका पता है ना, मेरियाना ट्रेंच। अटलांटिक ओशियन का पता है ना पूरा, जब क्लास स्टार्ट हुआ था उस टाइम देखा, वीडियो को देखा करो, आगे वाला वीडियो को, तब तो मिलेगा मजा। अटलांटिक का क्या, पुएर्टो रिको ट्रेंच, ओके। प्रशांत, हिंद महासागर का क्या, किसको पता है हिंद महासागर का क्या, किसी को पता है, हिंद
हिंदी महासागर का पता है, थोड़ा ट्राई करो, कितना मतलब सब कुछ तो याद होना चाहिए। क्विक रिकैप करो, हिंदी महासागर का सुंदर ट्रेंच, ओके, इसी तरह डीपेस्ट फेस वाटर लेक, कौन वाला डीपेस्ट फेस वाटर लेक है, इसमें से क्या लग रहा है, लेक टंगानिका, लेक सुपीरियर, लेक बैकाल, लेक मिशिगन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम इज कंसर्न, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट लेक सुपीरियर होगा इसका आंसर नहीं, लेक टंगानिका होगा इसका आंसर नहीं, लेक मिशिगन होगा इसका आंसर नहीं। सर क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है बोलो, क्या आंसर होने वाला है, लेक बोलो, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, क्या बोला, डीपेस्ट, डीपेस्ट जब बोलेगा डीबी, दिल्ली बोर्ड, गॉट इट फ्रेंड्स, डी फॉर डीपेस्ट, डी फॉर बैकाल, बैकाल कहां पर मिलता है, कहां पर दिखाई देता है, साइबेरिया, रशिया, रशिया में जो एक कंट्री है ना साइबेरिया, वहां पर क्या मिलता है, लेक बैकाल, एज यू नो डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, गॉट इट फ्रेंड्स। ऐसे करके आपको आना चाहिए, सोचना पड़ेगा। टंगानिका क्या है, इसको थोड़ा डिटेलिंग किया जाए, लेक टंगानिका कहां पर मिलता है, अफ्रीका में, सेकेंड ओल्डेस्ट लेक, लेक इज कंसर्न, लेक सुपीरियर के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मतलब सबसे अच्छा मीठे पानी का, सबसे परिष्कार, बहुत सबसे फ्रेश फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट लेक सुपीरियर, ये कनाडा वगैरह अमेरिका वगैरह इसमें मिलता है, ठीक है, यहाँ पर दिखाई देता है। लेक मिशिगन क्या है, यूएसए का थर्ड ओल्डेस्ट है, ठीक है, तीसरा यूएसए में मिलता है, ओके, लेक मिशिगन, लेक बैकाल कहां पर, रशिया में मिलता है, ये डीपेस्ट है, और लेक सुपीरियर क्या, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कभी कभी आ जाता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड इज कंसर्न, लेक सुपीरियर, मैंने सारा विश्व के, यदि हम सारा विश्व देखी तो क्या है, फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर, और यदि हम सारा विश्व डीपेस्ट देखी तो क्या है, लेक बैकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट फ्रेंड्स, आ गया, चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, देखो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ, अच्छा कोरल रीफ इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ, कोस्ट माने क्या होता है, उपकूल, उपकूल, ठीक है जी, कोस्ट, कोस्टल रीफ, अच्छा हाउ मेनी कंट्रीज आर कोस्टल इन इंडिया, हाउ मेनी स्टेट्स, माने कौन कतगुलो स्टेट आछे जार बॉर्डर कोस्टल एर संगे लागे, माने कोस्टल बॉर्डर कतगुलो आछे, कतगुलो स्टेट आछे, केउ कि बोलते पारबे, एनीबडी कैन टेल मी, कोस्टल, कोस्टल स्टेट কতগুলো আছে, নটা, নাইন, দেয়ার আর নাইন স্টেটস, ওকে, কোস্টাল কতগুলো আছে, মানে ওয়েস্টার্নের দিকে পাঁচটা আর ইস্টার্নের দিকে হচ্ছে চারটে, ওয়েস্টার্নের দিকে পাঁচটার নাম কি আছে স্যার আর ম্যাডাম বলতে পারবে, কেউ, ওয়েস্টার্নের দিকে কি কি আছে, গুজরাট, গুজরাট সে স্টার্ট, ইয়ে ইসকো ভি বলতা হয়, ইসকো সে অরিজিন হতা হয় গুজরাট, উসকে বাদ কে আতা হয়, গুজরাট কে বাদ মহারাষ্ট্র, উসকে বাদ কে আতা হয় কর্ণাটক, ইয়ে সব কোস্টাল স্টেট, ওকে, ইন্ডিয়া ইজ কনসার্ন, কর্ণাটক, উসকে বাদ কে আতা হয় सर मैडम गोवा, कर्नाटक के अंदर ही वो आ जाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर, उसके बाद केरल, केरल मतलब कितना हुआ, गुजरात महाराष्ट्र केरल, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा केरल, एक दो तीन चार पांच आ गया ना, वेस्टर्न में पांच और ईस्टर्न में क्या चार, कहां से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा कहता है, इसका नाम चेंज हो गया, ओ डी आई एस एच, पहले क्या था, उड़ीसा, ओ आर आई डबल एस ए, इसका कैपिटल क्या है पता है ना, भुवनेश्वर, ओके, और भुवनेश्वर का कलिंग स्टेडियम में हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, पता है ना, चलो उड़ीसा, और उसके बाद तो नीचे कितना है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और आप, आपका खुद का क्या, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसको तो नाम चेंज नहीं हुआ है, बोल मतलब बहुत दिन से चल रहा है, बंगाली बांग्ला होगा, नहीं हुआ, वेस्ट बंगाली है, ठीक है, यहां पर पांच, यहां पर चार, टोटल नाइन कोस्टल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, गॉट इट, चलो उसके बाद बहुत कुछ बता दिया, किस लिए बता दिया, कोस्ट के रिलेटेड ये सब पॉइंट हम डाल दिया, ठीक है, अच्छा एक चीज और, एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जो कोस्टल लेंथ है ना, और उसका लेंथ कितना है सर, लेंथ 6100 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम इज कंसर्न, ये जो हो रहा है ना इसको ही देता है, कितना स्ट्रेंज, मतलब कोस्टल सिटी का स्ट्रेंज 6100, ये आपको दिमाग पर रखना पड़ेगा, इंडिया का, इंडिया का उपकूल परिमाण कत 6100, गॉट इट फ्रेंड्स, चलो अच्छा और एक जिनिस এখানে যেটা দিয়েছে ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট, ওয়ার্ল্ড এর লার্জেস্ট কোরাল রিফ, আচ্ছা কোরাল রিফ আমাদের এখানে কোথায় আছে, ইন্ডিয়ায়, ইন্ডিয়া ইজ কনসার্ন, লাক্ষাদ্বীপ, 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 এটা হচ্ছে ইউটি, ইউনিয়ন টেরিটরিস, লাক্ষাদ্বীপকে কি বলে, কোরাল রিফ,
सिटी। ओके ओके फ्रेंड्स, चलो और यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, मतलब पृथ्वी जो देखे जाए वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ कहां पर, ऑस्ट्रेलिया। आपको जो एग्जाम में देगा ना, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा पोर्शन में कोरल रीफ पड़ता है, कोरल रीफ कौन सा पोर्शन में, ईस्टर्न पोर्शन में या वेस्टर्न पोर्शन में या साउदर्न पोर्शन में या नॉर्दर्न पोर्शन, मतलब नॉर्दर्न पोर्शन में, यही तो आपको कंफ्यूज कर देगा। कौन वाला पोर्शन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। मतलब इसको और थोड़ा स्पेसिफाई करो, ईस्टर्न क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया में ना एक क्वींसलैंड बोल के कंट्री होता है, अलग से लोकैलिटी लोकल एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं, क्वींसलैंड। एक प्रोविंस होता है ऑस्ट्रेलिया में, प्रदेश, उसको क्या कहते हैं, क्वींसलैंड। मतलब ईस्टर्न क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है, लार्जेस्ट होटल। गॉट इट फ्रेंड्स, गॉट इट फ्रेंड्स। चलो और एक बार देखा जाए घाना का, यहाँ पर घाना ऑप्शन में, घाना का कैपिटल क्या नाम क्या है पता है, कैपिटल करेंसी, घाना का राजधानी क्या है, अक्रा, अक्रा, ACCARA। और घाना का मुद्रा का नाम क्या है पता है फ्रेंड, सेदी, सेदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप पढ़ेगा ना ऐसे करके, कंट्री कैपिटल करेंसी, कंट्री कैपिटल करेंसी, ऐसे करके ट्रिपल सी, ये ऐसे पढ़ेगा ना सब कुछ होने वाला है। अलग से मत पढ़ो, जब भी कोई कंट्री आएगा ना ट्रिपल सी रूल। ओके, मतलब कंट्री फॉर घाना, करेंसी कैपिटल फॉर क्या, घाना अक्रा, और करेंसी क्या होगा, सेदी, दैट इज घाना अक्रा सेदी। ऐसे ट्रिपल रूल फॉलो करके पढ़ो सब कुछ आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है, क्यूबा, क्यूबा का क्या होगा पता है तो? चलो क्यूबा का फ्रेंड्स, क्यूबा कंट्री सी फॉर कंट्री, ट्रिपल सी, ट्रिपल रूल फॉलो करना है, ट्रिपल सी रूल। क्यूबा क्यूबा कंट्री, सी फॉर क्या, कैपिटल, क्यूबा हवाना, और यहां पर सी फॉर क्यूबा पैसा, पैसा, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट का फिलीपींस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैसो, सॉरी यहां पर पैसा नहीं होता है, पैसा, पैसो, पैसो करके, ठीक है। चलो फिलीपींस का क्या होता है, फिलीपींस सिटी, मैनीला, फिलीपींस सिटी भी कभी कभी आ जाता है, मनीला स्पेसिफिक। ओके चलो, और इसके बाद फिलीपींस का क्या होगा, पेसो, PESO, पेसो। गॉट इट फ्रेंड्स, यही हो गया, ऐसे करके पढ़ो तब क्या होगा, तीन चीज याद हो जाएगा, कंट्री कैपिटल करेंसी। गॉट इट, चलो नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्टर्न क्वींसलैंड, दैट इज योर आंसर, नॉट ओनली क्वींसलैंड, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, बट ईस्टर्न, मतलब पूर्वी, मतलब पूर्वी, पश्चिम नहीं, पूर्वी, पूर्वी की तरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट सवाल आज के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिखा है, देखो कौन वाला आर्टिकल, जस्ट इसको डिलीट कर दे रहा है आपके लिए, फॉर योर एडवांटेज। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अच्छे से सुन लो और जान लो, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा मेड। वेरी वेरी, आज का जमाना चल रहा है क्या, सब ना रिजर्वेशन की तरह झोंक रहा है, ठीक है, ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है जब आएगा इसके अंदर, क्या एससी एसटी ओबीसी, ये सब क्या होता है, कास्ट होता है ना, जनरल, ये सब अलग से कास्ट, इसका कुछ कुछ एडवांटेज मिलता है, प्रिविलेज मिलता है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया है, क्या बोला, रिजर्वेशन, संरक्षण, संरक्षण किसका, शेड्यूल कास्ट का, कौन सा आर्टिकल में दिया है इसका बारे में, कौन सा आर्टिकल बता रहा है, आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333, यही सभी तो सवाल आएगा, ऐसा ही ऑप्शन रहेगा, हिला के रख देगा, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट टर्म पता होना चाहिए, कौन वाला आर्टिकल किसके साथ डील कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बता दे रहा है, 330, देखो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, पर्टिकुलर क्वेश्चन का, रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन लोक इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहां पर लिखा है, आर्टिकल 330 में लिखा है, और देखो यहां पर लिखा है एससी और एसटी के बारे में बताता है लोकसभा में, तब क्या आएगा, 330, एससी भी आ सकता है, एसटी भी आता है, आ सकता है, ठीक है। लोकसभा में जब संरक्षण का बात होगा किसका, हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, तब कौन वाला आर्टिकल आएगा, 330, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू फोकस ऑन इट, ट्राई टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट आर्टिकल 331 सर क्या बताता है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन पता है ना, लोकसभा में कितना एंग्लो इंडियन रहता है, 2, और टोटल सीट क्या रहता है, 552, उसके रिगार्डिंग 550 अलग और 2 स्पेशली आता है, कहां से, एंग्लो इंडियन। व्हाट इज एंग्लो इंडियन, मतलब क्या, एक का ओरिजिन यूरोपियन
और एक का ओरिजिन क्या, मतलब मान लो एक पेरेंट्स है, मतलब पिता माता है, मान लो पिता या माता का किसी का एक का ओरिजिन यूरोपियन कंट्री में होना चाहिए, और एक क्या, और एक का इंडिया में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंग्लो इंडियन. गॉट इट फ्रेंड्स? चलो, एंग्लो इंडियन कितना मेंबर आता है लोकसभा में? दो. और इस 331 आर्टिकल क्या बताता है? एंग्लो इंडियन के बारे में बताता है लोकसभा में. गॉट इट? चलो नेक्स्ट, 332 क्या बताता है फ्रेंड्स? 332 देखो लिखा है एससी और एसटी के बारे में. कहां पर बताता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में. विधानसभा में कत नंबर आर्टिकल बता बोलचे? 332 एससी और एसटी विधानसभा में. और 333 लास्ट छिलो, एटा की छिलो? एंग्लो इंडियन सम्पर्के बोले कोथाय? एसएलए माने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा. गॉट इट फ्रेंड्स? क्लियर हो गया? क्लियर द आइडिया? गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. वेरी वेरी शॉर्ट क्लास, क्योंकि किस लिए? हम 4-5 गो टॉपिक लेके आया है, मतलब क्वेश्चन लेके आया है, क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक में गया, उसके बाद ऐसे ही चलेगा और बीच बीच में पीडीएफ मिलते ही रहेगा. ठीक है, आज से पीडीएफ स्टार्ट हो जाएगा. और उसके पहले क्या करना होगा? टेलीग्राम ऐप में ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट इन ऑर्डर टू गेट पीडीएफ, इन ऑर्डर टू गेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ओके, नमस्कार.